हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है, पौष के महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी। हाँ, इसका नाम है सफला एकादशी। तो इसका महात्म्य हम सुनेंगे। युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से एक प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे जनार्दन, पौष के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, इसका नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है। पौषस्य कृष्ण पक्षे तु केयम् एकादशी भवेत्, किम नाम को विधिस्तस्या को देवस्तत्र पूजते। हे स्वामी जनार्दन, ये सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से बोले कि हे राजन, तुम्हारे स्नेह के कारण मैं कहूँगा। तो श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे स्नेह के कारण मैं कहूँगा। श्री कृष्ण का जो है युधिष्ठिर महाराज के प्रति बहुत स्नेह है। ए तदा चक्षु मे स्वामिन विस्तरेण जनार्दन कथयिष्यामि राजेन्द्र भवता स्नेह कारण। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा युधिष्ठिर महाराज से कि हे राजन, मैं जितना संतुष्ट एकादशी के व्रत से होता हूँ, उतना अधिक दक्षिणा वाले यज्ञ से भी संतुष्ट नहीं होता हूँ। तथा तुष्टिर्न मे राजन कृतुभिश्चाप्त दक्षिण यथा तुष्टिर्भवेन्मह्यम एकादश्या व्रते नव। इस कारण संपूर्ण प्रयत्न से हरिवासर जो एकादशी का व्रत है वो करना उचित है। हे राजन, पौष कृष्ण पक्ष में द्वादशी से युक्त जो एकादशी होती है उसका महात्म्य एकाग्र चित्त से श्रवण करना चाहिए। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन कर्तव्यो हरिवासरः पौषस्य कृष्ण पक्षे तु द्वादशी या भवेन्नप तस्याश्चैव च महात्म्यं शृणुष्व एकाग्र मानसः गदितायाश्च वै राजन् एकादश्यो भवन्ति। तो भगवान कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से कि इस एकादशी का महात्म्य एकाग्र चित्त से आप श्रवण करिए या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। हे राजन, सब महीनों में जितनी एकादशियां होती हैं उनमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। तासाम अपि सर्वासाम विकल्पम न विकारयेत् एकादश्या तथाप्यस्या शृणु राजन कथांतरम। तो इस एकादशी की फिर भी एक विशेष कथा है। तो प्रत्येक एकादशी का महात्म्य है, परंतु भगवान कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से कि इस एकादशी की एक विशेष कथा भी है। अब मैं जगत के हित के लिए पौष की एकादशी की विधि तुमसे कहूँगा। तासामपि सर्वासाम विकल्पम न विकारयेत् एकादश्या तथाप्यस्या शृणु राजन् कथान्तरम्। अतः परम प्रवक्ष्यामि पौषस्य एकादशीं तव लोकानां चाहितार्थाय कथयिष्ये विधिं तव। पौष कृष्ण की एकादशी का नाम सफला है। इसके देवता श्री नारायण हैं। इसमें प्रयत्न पूर्वक श्री नारायण की पूजा करनी चाहिए। पौषस्य कृष्ण पक्षे या सफला नाम नामतः नारायणोधिदेवोस्या पूज्यतम प्रयत्नतः। हे राजन, विधि पूर्वक व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना चाहिए। जैसे नागों में शेष जी क्या हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। पक्षियों में जैसे गरुड़ जी सबसे श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। पूर्वेण विधिना राजन कर्तव्य एकादशी जन नागानाम च यथा शेषः पक्षिणाम गरुड़ो यथा। यज्ञ में जैसे अश्वमेध यज्ञ श्रेष्ठ है, नदियों में जैसे गंगा जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से सब तिथियों में एकादशी तिथि और सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। देवानां च यथा विष्णुर्द्विपदां ब्राह्मणो यथा व्रतानां च तथा राजन् प्रवर एकादशी तिथि। और देवताओं में जैसे विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं और मनुष्यों में या चार वर्णों में जैसे ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ है। हे राजन,
तेजना भरत श्रेष्ठ मम पूज्या से सर्वशः हरिवासर संयुक्ता वर्तन्ते येजना भृशम। तो भगवान कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से कि हे युधिष्ठिर, हे राजन, जो सदा एकादशी का व्रत करते हैं वे सर्वथा मेरे प्रिय होते हैं। सफला नाम के जो एकादशी है उसकी विधि को सुनो। तो भगवान कह रहे हैं कि इस पूजा में एकादशी के दिन जो भगवान की पूजा होती है तो उसमें क्या करना है, समय और स्थान के अनुसार जो भी फल उत्पन्न होते हैं उन फलों से पूजन करना चाहिए। सफला नाम या प्रोक्ता तस्या पूजा विधि सुनो फलेरमाम पूजिए तत्र काले देशोद्भव शुभ। नारियल का फल भी इसमें नारायण की पूजा में लगता है, और भी जितने अनार हैं तो ये भी हैं, और लवंग है, आम है, अनेक प्रकार के फल हैं। धूप दीप से विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करना चाहिए। नारिकेल फल शुद्ध है तथा वह बीज पूरक जम्बीर दाडिमेश तथा पूगी फलैरपी लवंगैर विविधैश्चान्य तथा चाम्र फलादि भी पूज्य देव देवेशम धूपैर दीपैर यथा क्रमम। सफला एकादशी की रात्रि में जागरण और दीपदान सबसे अधिक उत्तम कहा गया है। सफलायाम दीपदानम विशेषेण प्रकीर्तितम रात्रो जागरणम तत्र कर्तव्यम चा प्रयत्नतः। तो जब तक नेत्र खुले रहें तब तक मन से जो रात्रि में जागरण करता है तो उसका कितना फल है इसको सुनिए। यावत उन्मीलिये नेत्रम तावन जागरते योनिषि एकाग्र मानसो भूत्वा तस्य पुण्य फलम सुनु। हे राजन, इस जागरण के समान ना तो कोई यज्ञ है, ना तीर्थ है, और ना इस लोक में कोई व्रत है। तत्समो नास्ति वै यज्ञ तीर्थम तन सदृशम नहि तत्समम ना व्रतम किंचन यह लोके नराधिपे। 5000 वर्ष तक तपस्या करने से जितना फल होता है उतना फल सफला एकादशी का व्रत करने से होता है। कितना बड़ा महात्म्य है। पंचवर्ष सहस्राणी तपस्तत्वा च यत्फलम तत्फलम समवाप्नोति सफलाया व्रते नवे। हे राजन, अब सफला एकादशी की कथा सुनो। माहिष्मत राजा की चंपावती नाम की पुरी प्रसिद्ध थी। श्रूयताम राजसारदूल सफलाया कथानकम चंपावती ति विख्याता पुरी माहिष्मतस्य च। तो चंपावती पुरी के राजा हैं माहिष्मत। उस माहिष्मत राजा के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे बड़ा जो पुत्र था वो महापापी निकला। माहिष्मतस्य राजर्षेः चत्वारश्चाभवन् सुताः तेषां मध्ये तु यो ज्येष्ठः स महापापे संयुतः। सबसे बड़ा पुत्र राजा माहिष्मत का था, सबसे बड़ा पापी निकला। दूसरे की स्त्रियों से रमण करने वाला और सदा वेश्याओं के संग में रत रहने वाला इस भांति उस पापी ने पिता के सब द्रव्य को यानी धन को नष्ट कर दिया। परदाराभिगामी चा द्योतवेश्या रतः सदा पितुर्द्रव्यम सपापिष्ठो गम्यामास सर्वशः। नित्य गंदे आचरण में लगा रहता था, ब्राह्मणों की निंदा करता था, वैष्णवों की निंदा करता था, देवताओं की निंदा करता था। असंवृत्ति रतो नित्यम देवता दुजय निंदक वैष्णवानाम च देवानाम नित्यम निंदा रतः सवै। तब माहिष्मत राजा ने अपने लुम्पक नामक इस पुत्र को इस प्रकार देख करके राज्य से बाहर निकाल दिया। ईदृग्विदम तदा दृष्ट्वा पुत्रम माहिष्मतो नृपः नाम्ना सवैलुम्बकम् तु कृतवानत्यमर्षितः। जब राजा ने अपने राज्य से निकाल दिया तब राजा के भय से उसके बंधु और परिवार के सभी लोग ने उसका त्याग कर दिया। राजा ने
कुछ ऐसा भय दिखाया होगा कि अगर इसको कोई अपने साथ रखेगा तो उसको भी दंड मिलेगा। तो इसलिए उसके जितने भी बंधु भाई थे या जो भी संबंधी थे, तो फिर कोई भी उसको अपने पास नहीं रखता है। राज्यान निष्कासितस्तेन पित्रा च वापि बंधु भी परिवार जन सर्वैश त्यक्तो राज्ञो भव भयादिति। लुम्पकप मन में विचार करने लगा कि पिता और भाइयों ने तो मुझे त्याग दिया, अब मुझे क्या करना चाहिए। लुम्पकोपि तदा त्यक्त चिंतयामास चकलह मयात्र किं प्रकर्तव्यम त्यक्तेन पितृ बांधवे। इस प्रकार की चिंता में मग्न होकर पाप में बुद्धि को लगा करके विचार करने लगा और सोचा कि पिता की पुरी का परित्याग करके वन में चला जाऊँ। इति चिंता परो भूत्वा मतिम पापे तदा करो मया तो गमनम कार्यम बने त्यक्त्वा पुरीं पितुहु। दिन भर वन में रहकर रात को नगर में चोरी कर पिता का सब धन लूट लूँगा। दिवा बने चरिष्यामी रात्रावापि पितुः पुरे तस्माद् वनात् पितुः सर्वं व्यापयस्ये पुरं निशि। इस प्रकार मन में विचार कर सदैव ये दुष्ट लुम्पक पुरी को त्याग करके घने वन में चला गया। इत्येवं सा मतिं कृत्वा लुम्पको देव पातितः निर्जगामे पुरा तस्मात् गतो सौगहनं वनम्। गृहस्थ जब उसे पकड़ भी लेते तो ये पापी नित्य जंगली पशुओं की हत्या करता था और चोरी करने में तत्पर होकर समस्त नगर की चोरी किया करता था। जीव घाते करो नित्यम नित्यम स्ते परायण सर्वम चा नगरम तेन मुषितम पाप कर्मणा। तो गृहस्थ जब इसे पकड़ भी लेते तो माहिष्मत राजा के भय से छोड़ देते थे। इस प्रकार ये पापी अपने पाप से राज्य भ्रष्ट हो गया। गृहीतश्चा परित्यक्तो राज्ञो माहिष्मतेर्भयात् जन्मांतरीय पापेन राज्य भ्रष्टः स पापकृत्। तो जिस घर में चोरी करता था अगर घर वाले पकड़ लें तो सोचते थे कि राजा हमें दंड देंगे, तो इसलिए छोड़ देते थे। लेकिन ऐसी बात नहीं थी, राजा तो इसको अपने पुत्र को ही दंड देते, लेकिन लोग ऐसा सोच रहे थे तो इसको छोड़ देते थे, राजा के भय से छोड़ देते थे। लेकिन ये जो है अब और ज़्यादा राज्य से भ्रष्ट हो गया। अब रोज मांस खाता था और जंगल के फल खाता था और इस दुष्ट का जो आश्रम था वासुदेव भगवान को प्रिय था। तो जहाँ पर ये रहता था तो ये भगवान का एक प्रिय स्थान था और ये एक जो है एक विशेष योग बन गया कि जहाँ पर रहता था ये तो भगवान का एक प्रिय स्थान था, इसे कोई जानता नहीं। आमिषा भी रतो नित्यम नित्यम वे फल भक्षक आश्रमस्तस्य दुष्टस्य वासुदेवस्य सम्मतः। क्योंकि वहाँ बहुत वर्षों का पुराना एक पीपल का वृक्ष था, उस महावन में वो वृक्ष देवता के समान हो गया था। अश्वत्थो वर्तते तत्र जीर्णो बहुले वार्षिक देवत्वं तस्य वृक्षस्य वर्तते तन्वने महान। तो वो कई वर्षों पुराना पीपल का वृक्ष भगवान को प्रिय हो गया, तो कुछ ऐसा योग बन गया और वहीं पर उसी स्थान में ये जो है लुम्पक जो बड़ा पापी था निवास करता रहा। तत्रैव निवसंचा सौ लुम्पकः पाप बुद्धिमान एवं काल क्रमेण वसतस्तस्य पापीनः। दुष्कर्म में हमेशा लगा रहता, निंदित कर्म को करते हुए उसे पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का दिवस प्राप्त हुआ। तो आज की एकादशी बहुत ठंड है, पौष के कृष्ण पक्ष की एकादशी बहुत ठंड होती है, तो अब इसको जो है आज के दिन एकादशी का समय प्राप्त हो गया। दुष्कर्म निरतस्याश्चय कुर्वता कर्म निंदितम पौषस्य कृष्ण पक्षे तो संप्राप्तम सफला दिनम। हे राजन, दशमी की रात्रि को वस्त्रहीन होने के कारण ठंडक से पीपल के निकट उसे इतना दुख हुआ कि बेहोश हो गया। जंगल है ना, पेड़ के नीचे और वस्त्र नहीं है शरीर में, तो दशमी की रात्रि में ही
क्या हो गया, बेहोश हो गया। दशमी दिवसे राजन निशायाम सीता पीड़िता लुम्पको वस्त्रहीनो वै निश्चेष्टो ह्याभवत् तदा। और इतना दुखी हुआ कि पीपल के नीचे सुख तो कहाँ था, आँखों में झपकी तक ना लगी, इस प्रकार वो जागरण से मृतक के समान हो गया। पीड्यमानस्तु सीते न अश्वत्थस्य समीपतः न निद्रा न सुखम तस्य गतः प्राण एव भवन। रात को ठंड से दांत बजने लगे, इस प्रकार रात्रि व्यतीत हुई और सूर्य के उदय होने पर भी उसको होश नहीं आया, इतना जो है ठंड में बेहोश रहा। पीड्यन्दस नैर्दन्तान् एवं च अगमिता निशा भानुदये पितस्याथ न संज्ञा समय जायते। जब सफल एकादशी के दिन दोपहर का समय हुआ तो बेहोशी से कुछ उसको चेतना आई, बेहोशी से कुछ चेतना आई। लुम्पको गत संज्ञस्तु सफलादि विषय तदा मध्यान्ह समय प्राप्त संज्ञाम लेभे सलुम्पकः। अब जब होश आया तो एक क्षण तक जो है वो उठ पाया, एक क्षण के अंदर 4 मिनट लगे उसको खड़े होने में, 4 मिनट लगे, और पग पग पर गिरता हुआ लंगड़े की भांति चलने लगा, गिरता है बार बार और लंगड़ा होकर के चल रहा है। प्राप्त संज्ञो मुहूर्ते न चोतितो सौत नासनाद प्रस्खलन चा पदन्यास पंगुवत चरिता मुहूम। हाँ तो अनुवाद में क्षणभर लिखा है लेकिन इस श्लोक में मुहूर्त लिखा है, एक मुहूर्त में 48 मिनट लगा उसको खड़े होने में, ठंड के कारण शरीर इतना अकड़ गया था कि खड़े होने में उसको 48 मिनट लग गया है, और जब चलता है तो एक एक कदम पर जो है गिरता जाता है, इस प्रकार से लंगड़ाते हुए चलता रहा। और भूख प्यास से पीड़ित हो जाने पर उस के अंदर अब जीव हत्या करने की शक्ति नहीं रही, अब भूखा प्यासा तो सोचता है कि मैं मार के खाऊं किसी जीव को तो किसको मार के खाएगा, उसके अंदर शक्ति भी नहीं है कि किसी प्राणी की हत्या कर पाए। वन मध्य गतस्तत्र छत्रसा पीड़ितो भवन न शक्तिर जीव घाते स लुम्पकस्य दुरात्मनः। इस प्रकार जमीन में गिरे हुए फलों को उठाकर वहाँ पर आया और तब तक सूर्य का अस्त हो गया। अब जमीन में गिरे हुए फल ही उठाए उसने और एकादशी का दिन था तो देखो एकादशी की कृपा कैसे हो गई कि इतनी बुरी हालत थी कि मांस खा नहीं सका और फल भी जो है उसने उठाए और जब तक लेके आया तब तक सूर्यास्त हो गया। फलानि भूमौ पतितान् न्याजहारे सलुम्पकः यावत्स चागतस्तत्र तावदस्ते मगाद्रविः। उन सब फलों को वृक्ष के मूल में रखकर दुखी होकर के विलाप करने लगा। अब वृक्ष के मूल में रखा तो वह भगवान को भोग लग रहा है, उसको पता नहीं है कि वृक्ष जो है भगवान को बहुत प्रिय है, उसने मूल में रखा भी खाया ही नहीं, उसने एकादशी के दिन भी खाया नहीं, और वृक्ष के मूल में रख करके दुखी होकर के विलाप करने लगा कि हाय पिता ना जाने अब और क्या होगा। किम भविष्यति तातेति विललापाते दुखिता फलानि तानि सर्वाणि वृक्ष मूले निवेदया। लाचार होकर के कहने लगा इन फलों से हरि भगवान प्रसन्न हुए, बहुत कष्ट में हरि भगवान प्रसन्न हो, उसकी मृत्यु कैसी हो गई एकादशी के प्रभाव से, कहता इन फलों से हरि भगवान प्रसन्न हुए। ये कहकर वो लुम्पक रात्रि को भी जागरण करता हुआ बैठा रह गया, कुछ नहीं खाया। प्रत्युवाच फलैरे भी प्रियताम भगवान हरि उपविष्टो लुम्पकश्चा निद्राम लेभे न वैनिशी। तो उसने कुछ खाया नहीं, दशमी तिथि से ही जो है उसका जो है उपवास चल रहा था, एकादशी कुछ नहीं खाया और रात एकादशी की रात भी हो गई है, बहुत कष्ट उसको प्राप्त हुआ। उस जागरण से भगवान मधुसूदन ने सफला एकादशी का व्रत और उन फलों से पूजन स्वीकार कर लिया, भगवान ने मान लिया कि सफला एकादशी का इसने व्रत कर लिया और फलों से इसने मेरी पूजा कर ली। क्या है भगवान की ऐसी कृपा, एकादशी के प्रति भगवान की ऐसी सद्भावना है, तो अपना पूजा अपनी पूजा स्वीकार कर ली। तेन जागरणम जातम भगवान मधुसूदनः फलानाम पूजनम मैंने सफलाया तथा व्रतम। इस प्रकार लुम्पक ने अकस्मात उत्तम व्रत कर लिया, उसी व्रत के प्रभाव से उसको अकंटक राज्य प्राप्त हुआ।
इस व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ। कृतमेवम लुम्पकेन यकस्मान् व्रतः मत्तमम् तेन व्रतः प्रभावेण प्राप्तम् राज्यम कंटकम्। हे राजन, पुण्य का अंकुर जैसे उदय होकर लुम्पक को मिला, उसे सुनिए, सूर्योदय के समय एक दिव्य घोड़ा उसके सामने खड़ा हो गया। अब सूर्योदय हुआ, एक दिव्य घोड़ा उसके सामने आकर के खड़ा हो गया। पुण्यांकुरो दयान राजन यथा प्राप्तम तथा शृणु रविरुदय वेलायाम दिव्यो स्वस्चा गजगामहा। लुम्पक के निकट आकर खड़ा हो गया घोड़ा, और उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, दिव्य वस्तु परिवारो लुम्पक से समीपतः तस्थो सातुरगो राजन वागुवाचा शरीरिणी। क्या आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री कृष्ण की कृपा, श्री कृष्ण की प्रसन्नता से और सफला एकादशी के प्रभाव से तेरा राज्य निष्कंटक होगा। पितु समीपम गच्छ त्वं भुंक्ष राज्यम कंटकम तथेत्युक्त्वा तु सौतुत्र दिव्य रूपे धरो भव। तो ये आकाशवाणी हुई कि तुम अपने पिता के पास जाओ और निष्कंटक राज्य प्राप्त करो। और ऐसी आकाशवाणी को सुन करके उसने कहा तथास्तु, और तुरंत उसका दिव्य रूप हो गया, उसका शरीर दिव्य हो गया। कहाँ तो उसको एक लकवा जैसा लग गया कि मतलब ठंड से अकड़ गया था, दिव्य रूप उसका दिव्य शरीर हो गया। अपनी मति को उसने श्री कृष्ण के चरणों में लगा दिया और दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर के पिता को नमस्कार करके घर में रहने लगा। कृष्ण मतिश्च तस्यासीत् परमा वैष्णवी तथा दिव्याभरण सौभाढ्य तातम नत्वा स्थितो गृहे। तो कृष्ण में उसकी मति लग गई और परम वैष्णवी उसकी बुद्धि हो गई और इस प्रकार से दिव्य आभरण से जो है विभूषित हो गया और घर में आ गया, पिता के पास आ गया। तब उस वैष्णव को उसके पिता ने निष्कंटक राज्य दे दिया, उसे उसने बहुत काल तक राज्य किया। वैष्णवाय तथो दत्तम पित्रा राज्यम कंटकम कृतम राज्यम दुते वर्षाणी शुभ बहून्यपि। तो एकादशी के दिन विष्णु की भक्ति में सदा लीन रहने लगा और श्री कृष्ण की प्रसन्नता से उसको मनोवांछित सुंदर पुत्र और स्त्री मिली। हरिवासर संलीनो विष्णु भक्ति रता सदा मनोज्ञास तस्य पुत्रासुर दारा कृष्ण प्रसादितः। उसके पश्चात वृद्धावस्था प्राप्त हुई उसको, तो अपने पुत्र को राज्य पर बैठाकर स्वयं विष्णु की भक्ति में परायण होकर स्त्री सहित मन को चला गया। तथा सवार्धिके प्राप्ते राज्यम पुत्रे निवेश चा वनम गता संयतात्मा विष्णु भक्ति परायणः। इस प्रकार अपने मन को वश में करके विष्णु लोक चला गया और वहाँ श्री कृष्ण के समीप गया, जहाँ जाने से कोई चिंता फिर नहीं रहती है। साधयित्वा तथात्मानं विष्णुलोकं जगामः गदा कृष्णस्य सान्निध्ये यत्र गत्वा न शोचति। इस प्रकार सफल एकादशी का व्रत जो करेंगे वे इस लोक में यश प्राप्त करेंगे और परलोक में निस्संदेह श्री कृष्ण का धाम प्राप्त करेंगे। एवं ये वै प्रकुर्वन्ति सफल एकादशी व्रतम ये लोके यशा प्राप्य मोक्षम यास्यन्ति संशयम्। सफल एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य संसार में धन्य हैं, वे इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। धन्यास्ते मानवालोके सफला व्रतकारिणा तस्मिन् जन्मनि ते मोक्षम लभन्ते नात्र संशयः। हे राजन, जो मनुष्य इस सफला एकादशी का महात्म्य सुनता है तो सुन लीजिए, जो सुन रहे हैं कान खोलकर ही सुन लें। क्या कि जो मनुष्य सफला एकादशी का महात्म्य सुनता है वो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करके परम धाम में निवास करता है। सफलायाश्च महात्म्यम श्रवणाधि विशाम्पते राजसूय फलम प्राप्य वसेत स्वर्गे च मानवः। इति श्री पौष कृष्ण सफला एकादशी महात्म्यम संपूर्णम। तो ये सफला एकादशी का महात्म्य हमने सुना, जो कि बहुत दिव्य है, बहुत पवित्र है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।